जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महागोतावे के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई हो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं रहा। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहे बात। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो गया, बावजूद इसके गिरफ्तार हो रही। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे,